हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लिनोवो में न्यू लॉन्च राइजन 5 7000 सीरीज वाले लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे एंड उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज जिस लैपटॉप को हम अनबॉक्स कर रहे हैं उसका फुल मॉडल नंबर है लिनोवो आईडियापेड स्लिम 3 15M N8। यह अभी जून में ही लॉन्च हुआ है एंड इसकी MRP 64,990 रुपये। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा ये आपको बेस्ट प्राइस में कहां पर मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर नया आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देर किए लैपटॉप को करते हैं अनबॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। एक ये प्रीमियम क्वालिटी की पावर केबल दी हुई है, एक ये 65 वोल्ट का एसी फास्ट चार्जिंग एडेप्टर दिया हुआ है और ये कुछ यूजर्स मैनुअल दी हुई है। दोस्तों, इसके कीबोर्ड की बात की जाए तो ग्रे कलर का फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है। इसके ऊपर प्रेस करने पे नाके बराबर फ्लैश देखने को मिल रहा है। इसमें 1.5 mm का की ट्रेवल स्पेस दिया हुआ है। मैंने इसको नॉर्मल यूज ब्राउजिंग वगैरह थोड़ी बहुत गेमिंग करके देखी, मेरा टाइपिंग स्पेस के अंदर काफी शानदार रहा है। टच पैड की बात करें तो ये मीडियम साइज का टच पैड दिया हुआ है विद मल्टी गेस्चर सपोर्ट। मैंने इसको भी नॉर्मल यूज वगैरह करके देखा, ये भी काफी स्मूथली चल रहा है। इसके पाम रेस्ट को भी देख लेते हैं। इसके राइट साइड पाम रेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लिनोवो की ब्रांडिंग दी हुई है। इसके लेफ्ट साइड पाम रेस्ट पर राइजन 5 7000 सीरीज AMD रेडियन ग्राफिक का स्टिकर दिया हुआ है एंड यहाँ पर लिनोवो के फीचर्स का गुणगान गाया हुआ है। लैपटॉप के टॉप लिड के टॉप पर प्रेस करने पे नाके बराबर फ्लैश देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये 15 इंच का लैपटॉप है, इसको सिंगल हैंड से ओपन करके देखते ओपन होता है नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो सिंगल हैंड से ओपन नहीं हो रहा है। इसके हिंज की क्वालिटी काफ़ी शानदार दी हुई है। स्क्रीन को 180 डिग्री तक ले जा सकते हैं। स्किन वॉबल भी नाके बराबर देखने को मिल रहा है। यहाँ नीचे की तरफ एयर एग्जॉस्ट वेंट दिए हुए हैं। यहाँ 22 वोल्ट के ड्यूल स्टूडियो स्पीकर दिए हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं लैपटॉप के बिल्ड इन डिजाइन की। ये फुल प्लास्टिक बॉडी ग्रे कलर में आता है। इसका वेट 1.7 kg है। लैपटॉप के टॉप लिड के राइट साइड में लिनोवो की ब्रांडिंग दी हुई है। इसके बैक साइड को भी देख लेते हैं। यहाँ ऊपर नीचे चारों कोनों पर प्रीमियम क्वालिटी की रबर ग्रिप्स दी हुई है। यहाँ सिंगल फैन एयर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ विंडोज का स्टिकर दिया है। ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड एंड डिजाइन पर्सनली मुझे काफ़ी शानदार लगी है। दोस्तों, इसके बैटरी की बात करें तो इसमें 3 सेल 47 वोल्ट आवर की बैटरी दी हुई है। इसमें आपको नॉर्मल यूज ब्राउजिंग वगैरह मूवी वॉचिंग वगैरह पे 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। हैवी टास्क गेमिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह पे आपको 2 से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर फुल HD IPS डिस्प्ले दी हुई है 1920x1080p रेजोल्यूशन के साथ 300 nits ब्राइटनेस एंड 72% NTSC कलर गेमेट। दोस्तों, इसके अंदर IPS डिस्प्ले है तो आपको ऊपर नीचे से या साइडों से देखने में कोई नेगेटिव नजर नहीं आएगा। डिस्प्ले की क्वालिटी इस बजट में वैसे काफ़ी शानदार दी हुई है। तो इसके स्पीकर भी देख लेते हैं। इसमें 22 वाट के 2 स्टूडियो स्पीकर दिए हुए हैं। इसके साउंड की क्वालिटी काफ़ी शानदार दी हुई है। इसमें आपके एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस भी काफ़ी शानदार रहेगा। दोस्तों, इसका बूटिंग टाइम भी देख लेते हैं। लैपटॉप में गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इसमें GTA 5 फुल HD रेजोल्यूशन पर रन किया। इसने मुझे 30+ FPS आसानी से दिए हैं और गेम भी काफ़ी स्मूथली चल रहा था। वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, फिर भी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। सो आप इसमें कैजुअल गेमिंग भी कर सकते। दोस्तों, इसके वेबकैम की बात करें तो इसमें 720p HD वेबकैम दिया हुआ है। इसकी वीडियो 30 FPS को सपोर्ट करती है एंड इसके अंदर प्राइवेसी के लिए शटर भी दिया हुआ है। तो आप जो वीडियो देख रहे हो
इसी के वेबकैम से रिकॉर्ड की हुई है, आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो इसी के माइक्रोफोन की है। वेबकैम की क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी शानदार दी हुई है। आपको कैसी लगती है वेबकैम की क्वालिटी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब बात करते हैं इस लैपटॉप के फुल कॉन्फ़िगरेशन की। इसमें AMD Ryzen 57520U प्रोसेसर दिया हुआ है। इसकी बेस वैकेंसी 2.8 GHz है। इसको 4.3 GHz तक बूस्ट कर सकते हैं। 4 Core 8 Thread वाला प्रोसेसर दिया हुआ है। 4 MB कैश मेमोरी है। इसकी मेमोरी की बात करें तो इसमें 8 GB DDR5 5500 MHz रैम दी हुई है। ये ऑनबोर्ड है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें 512 GB की NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव लगी हुई है। आप इसको रिप्लेस करके 2 TB तक स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5 दिया हुआ है। इसके इंटीग्रेटेड GB की बात करें तो इसमें AMD Radeon ग्राफिक दिया हुआ है 2 GB डेडिकेटेड GB मेमोरी के साथ। दोस्तों इसके पोर्ट्स भी देख लेते हैं। इसके राइट साइड पोर्ट की बात करें तो एक 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है, एक मल्टी कार्ड सपोर्ट का रीडर जैक दिया हुआ है, कुछ लाइटिंग इंडिकेटर दिए हुए हैं। इसके लेफ्ट साइड पोर्ट की बात करें तो एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है, एक 2.1 HDMI पोर्ट दिया हुआ है, एक 3.2 जनरेशन 1 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, एक 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया हुआ है। लैपटॉप की फुल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क रन किए हैं। उसमें सिनेबेंच ने सिंगल कोर 1066 स्कोर दिया है और मल्टी कोर 4112 स्कोर दिया है, और वहीं गीगबेंच ने सिंगल कोर 1313 स्कोर दिया है और मल्टी कोर 3439 स्कोर दिया है, और 4570 ग्राफिक ओपन सेल स्कोर दिया है। पीसी मार्क 10 ने 4257 स्कोर दिया है और क्रिस्टल डिक्स मार्क ने यह स्कोर दिया है। ओवरऑल इस लैपटॉप के स्कोर एंड परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको ऑफलाइन 43,000 से 45,000 में आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन ये 45,000 में मिल रहा है, और अभी बिग बिलियन डे सेल भी आ रही है तो आपको और कम बजट में मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।